महाराष्ट्र के मध्यवर्ती हिस्से में स्थित हिंगोली जिला। भागवत धर्म का परचम महाराष्ट्र से पंजाब तक लहराने वाले संत शिरोमणि नामदेव महाराज की जन्मभूमि इसी धरोहर में स्थित है, इसीलिए सिख समुदाय के लिए पवित्र है ये सरजमी। यहाँ के औंढा नागनाथ में 8वां ज्योतिर्लिंग स्थित है, जो काफी भाविकों का श्रद्धा स्थान है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकुशल नेतृत्व में आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के नेटवर्क के महत्व पर जोर दिया। हिंगोली जिले में सन 2014 तक राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई 96 किलोमीटर थी। 2014 के बाद नए सिरे से घोषित राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई 134.805 किलोमीटर है। ये बढ़ोतरी 140% है। पिछले 8 सालों में 230 किलोमीटर लंबी 8 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई, जिनका निवेश मूल्य 2,981.16 करोड़ रुपए है। आज श्री नितिन गडकरी जी के शुभ कर कमलों द्वारा वाशिम से पांगरे इस 42.300 किलोमीटर लंबी और 1,037.04 करोड़ रुपए निवेश मूल्य के परियोजना का लोकार्पण होने जा रहा है। इस महामार्ग से यात्री लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे तेज रफ्तार से सफर कर पाएंगे। इस परियोजना में 11.08 किलोमीटर लंबाई वाले 2 ग्रीन फील्ड बाईपास के साथ एक बड़ा पुल, 15 छोटे पुल, 44 बॉक्स कलवर्ट, 4 फ्लाईओवर और 8 वेहिकुलर अंडरपास का निर्माण किया गया। 11.09 किलोमीटर लंबे बाईपास रोड के कारण कनेर गांव नाका और हिंगोली शहर में हो रहे ट्रैफिक जाम की त्रासदी से छुटकारा मिलेगा और यातायात अधिक सहज और सुलभ होगी। बहुमूल्य ईंधन और समय की बचत होगी और प्रदूषण का स्तर भी कम होगा। इंदौर, अकोला, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, हैदराबाद, इन क्षेत्रों की यातायात बेहतर होगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में व्यापार बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्थानीय किसानों और उत्पादकों को अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में और आसानी होगी। अकोला, वाशिम और हिंगोली के कई महत्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटन स्थलों जैसे ज्योतिर्लिंग औंढा नागनाथ, शाहनूर किला, बालाजी मंदिर, जैन मंदिर तथा नांदेड़ के गुरुद्वारा, इनका सफर और आसान और गतिमान होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा परिचालित राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 161 के अकोला वाशिम हिंगोली वारंगा सड़क के 4 लेन करण का कार्य प्रगति पथ पर है। 4 चरणों में विभाजित 176.14 किलोमीटर लंबाई वाली इस परियोजना का निवेश मूल्य 4,323.43 करोड़ रुपए है। यह महामार्ग अकोला, वाशिम तथा हिंगोली, इन तीनों जिलों के सर्वांगीण विकास में फायदेमंद साबित होगा। यह महामार्ग मालेगांव में समृद्धि महामार्ग से मिलता है, जिससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अकोला से मेडशी, मेडशी से वाशिम और पांगरे से वारंग, इन तीन परियोजनाओं का कार्य भी प्रगति पथ पर है। इनके पूर्ण होने से क्षेत्र के विकास की गति को और चालना मिलेगी। प्रगति के इसी कदम को आगे बढ़ाते हिंगोली शहर और जिले में राष्ट्रीय महामार्ग तथा लोक निर्माण विभाग की ओर से 1, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 1 तथा CRF द्वारा परिचालित 4 परियोजना पूर्ण हो चुकी है। इन्हीं विभागों द्वारा 7 परियोजनाएं प्रगति पथ पर हैं तथा 2 नई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन कुल 15 योजनाओं की कुल लंबाई 413.69 किलोमीटर तथा लागत मूल्य 5,672.02 करोड़ रुपए है। श्री नितिन गडकरी जी के मंत्रालय द्वारा परिचालित इस परियोजना से कई लाभ होंगे। बुनियादी संरचना का ये उपहार क्षेत्रवासियों के लिए नए अवसरों की निर्मिति कर उनके चेहरों पर मुस्कान लाएगा।